लोग भी हैं जो शायद अच्छी तरह परिचय नहीं है संस्था से भी मुझसे या समझेंगे समझाएंगे जो भी और गांव में जाने का बीच बीच में हम करते रहते थे ऐसे ही शौकिया ढंग से। इधर के जो गांव है ये जो छह इलाका है इसको जौनपुर कहते हैं, ये यमुना से यमुना के पश्चिमी तट पे है ये इलाका, यमुना के पूर्वी तट का जो इलाका है उसको जौनसार बावर कहते हैं। तो ये जो पश्चिमी तट वाला इलाका है यमुना के उसको वहाँ ये जौनपुर जो है इसकी अपनी एक खास संस्कृति है जो गढ़वाल की मुख्य धारा से थोड़ी अलग है। इनको आदिवासी भी कहते हैं लोग, वैसे मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया कि आदिवासी का क्या मतलब है लेकिन इनको कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ गाँव में घूमने फिरने आते थे और करीब 10-12 बार आने के बाद एक बार एक प्रधान जी ने यह आग्रह किया कि भाई हमारे गांव बहुत छोटे छोटे हैं, 7-8-10 गाँव को लेकर एक ग्राम सभा बनती है और एक ग्राम सभा में एक ही सरकारी स्कूल होता है या ज़्यादा से ज़्यादा दो होते हैं, तो बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनमें स्कूल नहीं। मतलब उसको ये लगा कि मैं बेकार सा हूँ क्योंकि कुछ करता नहीं था। कहने को लोग पूछते थे क्या करते हो, तो मेरा जवाब यही होता था कुछ नहीं करते, और गाड़ी लेके यहाँ सड़क के किनारे लगा दी और गांव चले गए। तो उन लोगों को लगता था इसका समय भी है, तो उन्होंने मुझे कहा भी कि भाई आपका समय भी है, आप कुछ करते भी नहीं हो तो एक स्कूल ही चला लो। तो मैंने उनसे ये कहा कि ठीक है अगर आप जगह देंगे तो हम 2-1 घंटे आके कुछ कर लेंगे। और उस समय ये मान के चलते थे कि भाई पढ़ाना लिखाना बच्चों को इसमें कौन सी बड़ी बात है, और पढ़ने लिखने का मतलब भी, शिक्षा का मतलब भी मेरे और हम लोगों के मन में सिर्फ इतना ही था कि स्कूली किताबें पढ़ा दी, थोड़ा लिखना सिखा दिया, थोड़ा बोलना सिखा दिया, 1-2-3 सिखा दिया, इत्यादि इत्यादि, उससे ज़्यादा कोई कल्पना नहीं थी। और ये भी दिमाग में कहीं बैठा हुआ होगा कि ये पिछड़े लोग हैं और इनको पढ़ा लिखा करके विकसित करना है। हालांकि ये शब्दों का इस्तेमाल उस समय मैं नहीं करता हूँ, लेकिन जो अवधारणा थी वो इसी तरह की थी मोटी मोटी। तो जब स्कूल खुला और पढ़ाने लगे तो बहुत जल्दी 6-7-8 महीने के अंदर ये लगने लगा कि जो हम काम कर रहे हैं वो तो नुकसान उससे ज़्यादा हो रहा है। और उस वो कैसे समझ आई, वो बड़ी मिली जुली सी चीज़ होती है लेकिन उसमें गांव की महिलाओं का, बुजुर्ग महिलाओं का उसमें एक योगदान था कि वो ये कहती थी कि भाई आप जब शुरू में तो नहीं कहा, बाद में जब उनसे थोड़ा रिश्ता बना तो वो ये कहने लगे कि आप पढ़ा लिखा कर हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं और वो न घर के रहते हैं न घाट के रहते हैं। गांव का पढ़ा शहर के लिए फिट होता है, शहर वाला विदेश राजीव वोरा का, और उन्होंने कहा, वो गांधी शांति प्रतिष्ठान में उस समय काम करते थे, वो बोले कि तुमको धर्मपाल जी तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे और बोल रहे थे कि क्या उनसे मिलना हो सकता है। वो दिल्ली आए हुए थे धर्मपाल जी, और उन्होंने कुछ, धर्मपाल जी के अपने तरीके होते थे लोगों के बारे में पता करने के। तो वो मैं इत्तेफाकन दिल्ली जा ही रहा था तो उनसे मुलाकात हुई, और मैंने उनसे बहुत अच्छी मुलाकात हुई, मतलब पहले ही मुलाकात में इतनी सहजता और इतनी अच्छी तरह बात हो गई। तो मैंने उनसे ये हिम्मत करके पूछ लिया कि आप मसूरी चलोगे क्या, गर्मी का मौसम था। तो उन्होंने कहा कि आप ले जाएंगे मुझे, हाँ चलिए। तो हम लोग आ गए और वो 1.5 महीना रहे, पहली मुलाकात थी, और वो 1.5 महीने मेरे लिए विलक्षण थे। आराम से रहते थे, कोई कार्यक्रम नहीं कुछ नहीं, मेरा यहाँ से आना जाना लगा रहता था लेकिन वो घर पे रहते थे और बहुत आराम से हम लोगों की बीच बीच में बात होती रहती। तो मैंने उनसे बात नहीं इस बात का जिक्र किया कि भाई हम ये एक स्कूल का काम कर रहे हैं और ये लोग ये कह रहे हैं, महिलाएं ये कहती हैं। तो उन्होंने कहा ठीक ही तो कहती है, आपने गांधी जी को पढ़ाया क्या? तो पहली बार मुझे ये समझ में आया, मतलब मैंने सोचा कि भाई गांधी कोई बोलता आप गांधी जी को जानते हैं क्या, तो मेरा जवाब होता हाँ, पर उन्होंने बोला आप गांधी जी को पढ़ा है क्या, तो मुझे सोचना पड़ा। तो मैंने कहा नहीं, मैंने उनके कुछ 2-4 कोटेशन इधर उधर कही सुनी बातें तो जरूर पढ़ी है,
किसी ने उनके बारे में कहा पर उनको नहीं पढ़ाया। तो उन्होंने बोला पढ़िए, तो उन्होंने मेरे से बहुत इंसिस्ट करके, क्योंकि थोड़ा बहुत अधिकार तो हो ही गया था तब तक, तो उन्होंने कहा कि आप वांग्मय मंगाइए पूरे। तो मेरे से पूरे 100 वॉल्यूम हिंदी के और 100 वॉल्यूम अंग्रेजी के, क्योंकि वो बोले दोनों मंगवाइए, क्योंकि जब गांधी जी ने हिंदी में बोला है तो हिंदी में पढ़िए और अंग्रेजी में बोला है तो अंग्रेजी में पढ़िए, ट्रांसलेशन मत पढ़िए। तो दोनों मंगवाए। और वो कभी कभी कह देते थे कि साहब वो जो है 6 फरवरी 1916 वाला लेख देख लीजिए, वो चिट्ठी देख लीजिए, फलां को लिखी थी इस तारीख को, उनको मुंजवानी याद था ये सब। उसके बाद मैं एक ही आदमी से मिला हूँ जिसको इस तरह से याद रहता है, वो कमलेश जी बैठे हुए। मैं गांधी जी की बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इनसे अगर आप तुम एक बात पूछोगे तो इनको पूरी इंसाइक्लोपीडिया की तरह याद रहता। वैसे ही धर्मपाल जी का था, वो डेट याद रहती थी, नाम याद रहते थे, कहाँ उसका संदर्भ है वो याद रहता था, उसकी कौन सी कड़ियाँ हैं वो याद रहती थी। गुरु जी को भी याद रहता, लेकिन इनकी याददाश्त का जो पूरा दायरा है वो एक अलग प्रकार का, वो भी विलक्षण है। तो खैर वो ऐसे मेरी शिक्षा यहाँ से प्रारंभ हुई। तो उनको कह देते थे ये पढ़ो, और वो जब मैं पढ़ता था तो मुझे अपनी जो समस्याएं थी जिससे मैं जूझ रहा था उनका उधर कुछ जवाब मिल जाता था गांधी जी के लिखे हुए में, जो कि करीब 90-100 साल पुरानी बात है, और ये जो यहाँ हो रहा था वो अभी हो रहा था, लेकिन इन दोनों में कड़ियाँ बैठ जाती थी। मैं सिर्फ इसका संदर्भ दे रहा हूँ आपको। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे प्रयोग किए, यहाँ शिक्षा को बिल्कुल हमने बदलने का प्रयास किया, बहुत तरह की चीज़ें हुई, वो अलग किस्सा है। लेकिन उन्होंने दो व्यक्तियों का नाम हमको कहा कि इनसे तुमको जरूर मिलना चाहिए। उसमें एक थे सैमदोंग रिम्पोचे, जिसका जिक्र अभी अजय जी कर रहे थे, वो तिब्बती संस्था जो हायर स्टडीज की तिब्बती संस्था है सारनाथ में, उसके उस समय डायरेक्टर थे, बाद में वाइस चांसलर की पोजीशन हुई, डायरेक्टर का मतलब वाइस चांसलर ही जैसा होता है, वो वहाँ उनका जिक्र किया। और दूसरा जिक्र उन्होंने किया गुरुजी का। खैर गुरुजी से मिलना उसके कई सालों के बाद हुआ, लेकिन इनसे जब मिला तो मुझे बहुत सारी बातों में जो टुकड़ों टुकड़ों में समझ में आती थी, क्योंकि धर्मपाल जी एक बात कहते थे कि हम भारतीय स्वभाव को नहीं समझते। अब भारतीय भी समझ में आता है, क्योंकि हम सभी भारतीय शब्द से परिचय है और हम स्वभाव शब्द से भी हमारा परिचय है, लेकिन धर्मपाल जी जब कहते थे भारतीय स्वभाव तो मुझे पूरी तरह नहीं समझ में आता था वो कहना क्या चाह रहे, ये क्या होता है भारतीय। और धर्मपाल जी इसी तरह के शब्दों का प्रयोग करते थे जो बहुत चालू शब्द होते थे। तो पहले तो वो जो भारतीय स्वभाव कहा वो हमको समझ में आया उनकी एक किताब पढ़ के, उनका एक लेख पढ़ के, भारतीय चित्त मानस का थोड़ी झलक मिली कि वो कहना क्या चाहते हैं। लेकिन उसका मैं ये कहूं कि उसका स्पष्टीकरण, उसकी सफाई मेरी हुई जब मैं गुरु जी से मिला। लेकिन ये भी मुझे लगता है कभी कभी कि अगर वो बैकग्राउंड, वो पृष्ठभूमि नहीं होती, यानी धर्मपाल जी से जो 7-8 साल का अपना चला सिलसिला उनके साथ, वो पृष्ठभूमि नहीं होती तो मुझे गुरुजी की बातें अच्छी लगती, रोचक लगती, गुदगुदी होती, लेकिन जिसको बोलते बैठ जाना ना, वो शायद ना होता। मैं नहीं जानता, ऐसा मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इनकी बातों पे तो जो भी सुनता है वो लट्टू होता है। अच्छा ही मैं आज तक किसी से नहीं मिला जो बोले कि नहीं कुछ नकारात्मक किसी ने कहा हो, सभी को अच्छा लगता है। लेकिन वो कड़ियां बैठना, जो जिसको हम समझ कहते हैं, ये समझ क्या चीज है? हम कई बार कहते हैं हम समझ गए, ये समझने का मतलब क्या है? कोई यहाँ का डायरेक्शन पूछ रहा है। ये लाइट नहीं है, इसका फ्लैश ऑन, वो बात कर लो छोड़ देगा। हेलो। तो जो ये कड़ियां जब जुड़ती है, जैसे एक चीज
कोई बात अपने को ठीक लगती है और ठीक तो लगती है, फिर मैं सुनता हूँ लोगों को कहते हुए कि बात तो ठीक है लेकिन आज के जमाने में तो ये हो नहीं सकता। ये जब वो कहता है कोई भी व्यक्ति, तो मुझे ये लगता है कि उसकी समझ अभी जुड़ी नहीं है और चीजों से। ये जब जुड़ती है और चीजों से, आज जो हो रहा है, जो भी आपने मान रखा है, आपने गलत मान रखा हो सही मान रखा हो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, पर जो भी आपने मान रखा है या समझ रखा है उसके साथ जब ये नई कोई बात आपको सुनने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है, उसका ताना बाना उस बात से बैठता है, तब जाकर के वो समझ बढ़ती है, ऐसा मुझे लगने लगा। तो गुरुजी की बात जब मैंने, जब से मैं सुन रहा हूं, वो बातें बैठ रही है मेरे अंदर। मुझे एक तस्वीर बनती हुई दिखती है कि अगर दुनिया को आज हजारों से मीनार देश बन रहे हो, हजारों किताबें लिखी जा रही है, लाखों लिखी जा रही है, और अखबारों को उठा के देखिए, किसी से बात करिए, सभी लोग समस्या की बातें बहुत हो रही है कि साहब ये पर्यावरण इस स्टेज पे पहुंच गया है, लोग कई लोग इस कहते हैं कि 20 साल में दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा डूब जाएगा क्योंकि गर्मी हो रही है और तालाब खत्म हो रहे हैं, नदियों में बाढ़ आएगी, समुद्र तल बढ़ेगा वगैरह वगैरह। तो बहुत इस पर्यावरण की एक भयंकर समस्या लोग बताते हैं, इस पे बहुत कुछ, बहुत पैसे खर्चे जा रहे हैं, इस पे बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं, इस पे सेमिनार्स हो रहे हैं, इस पे लिखा जा रहा है वगैरह, इस पे रिसर्च हो रही है। एक दूसरी युद्ध और आतंक की एक समस्या बहुत बड़ी बताते हैं लोग, है भी कि युद्ध हो या ना हो, युद्ध का एक संकट हमेशा मंडराते रहता है। टेररिस्ट एक्टिविटी हो या ना हो, आतंकवाद हो या ना हो, उसका एक संकट मंडराते रहता है, और वो संकट जब तक रहता है तब तक हथियारों की बिक्री, असुरक्षा का भाव, ये सब बना ही रहता है, चाहे लड़ाई हो या ना हो, चाहे टेररिज्म हो या ना हो, पर वो असुरक्षा जो है वो हम सबको एक तरह से संचालित करती है, उसका भाव है। ये बहुत बड़ी समस्या है। फिर आर्थिक संकट तो है ही, विषमता बढ़े जा रही है, इस पर भी बहुत चर्चा होती है, गरीबी बढ़े जा रही है, जो असीम गरीबी है वो बढ़ती जा रही है, और अमीरी भी कोई सीमा उसकी रही नहीं, और ये जो बीच में हम जैसे लोग हैं, हमसे थोड़े कम, हमसे थोड़े ज़्यादा, ये जो बीच वाला तबका है, ये इसको कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, और ये एक मशीन के पुर्जे की तरह काम कर रहा है। इस पर भी बहुत सेमिनार, बहुत चीजें, बहुत बातें होती हैं, ये भी हो एक संकट। और फिर एक चौथा संकट जो मुझे लगने लगा है वो है आस्था का संकट। अभी किसी भी पढ़े लिखे आदमी के अंदर आस्था विहीन हो गया है, या उसकी आस्था डगमगाने लगी है। ईश्वर में तो आस्था विज्ञान के युग ने उसको बहुत झंझोरा, ईश्वर जैसी चीज, धन जैसी चीज, मैं धन को बहुत सतही रूप में अभी बोल रहा हूँ, उसको बहुत झंझोरा, वो तो टूटी ही, लेकिन आजकल आपको कोई वैज्ञानिक थ्योरी में भी विश्वास पूरी तरह नहीं होता, फिर भी मानते रहते, पर पूरी तरह विश्वास नहीं। कोई नया अखबार में आ जाता है, कोई बड़े साइंटिस्ट ने कोई बात बोल दी होती है, तो हम लोग मूर्ख की तरह उसको मानने को बाध्य होते हैं, या कहीं होता है कि भाई ये बोला है तो मानना चाहिए, लेकिन मन में ये भी कहीं ना कहीं रहता है कि पता नहीं ये भी 2 साल बाद इसको कोई दूसरा आकर के बोले ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। दवाई की दुनिया में रोज ऐसा होता है, नई दवाइयां निकलती हैं और पुरानी दवाइयों पे बैन लगता है, तो बैन लगने का मतलब है वो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, तो किसी जमाने में ठीक थी, आज ठीक नहीं है। तो ये जो है इसको हम कितना भी समझें या ना समझें, लेकिन मन में एक शंका का भाव हर चीज के प्रति आदमी में हो गया है, वो उसमें आस्था विज्ञान के प्रति, कोई समझदार व्यक्ति के प्रति, कोई अपने घर में बड़े बुजुर्गों के प्रति, ईश्वर या धर्म के प्रति, किसी भी तरह की, ये डगमगाने लगी है। और आस्था विहीन व्यक्ति जो होता है वो सबसे आसान होता है उसको नियंत्रित करना, जो आज की आधुनिक व्यवस्था जिस ये का मूल
तो यही है कि लोगों को नियंत्रित करके रखना है किसी भी तरह से। वो नियंत्रण उनका बहुत बड़ा उसका दायरा है, उसमें थोड़ा बहुत आप उछल कूद भी कर सकते हैं, थोड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं, थोड़ा प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, अधिकार की बात भी कर सकते हैं, वो सब उसी के दायरे का हिस्सा है। ये जितनी बातें मैंने संक्षेप में कही, इसी से हम सब पढ़े लिखा वर्ग जूझ रहा है, उसी पे रिसर्च हो रही है, इसी के अंदर सारा काम हो रहा है 99.99%। इस सब के मध्य में जब मैं गुरुजी को सुनता हूं तो ये इससे परे की बात है। परे का मतलब संबंध तो है लेकिन ये बिल्कुल पैराडाइम ही अलग है। और इसमें आपको अगर हम ठीक से ध्यान दें तो इसमें हमको कहीं 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 नहीं बहुत सारे सूत्र दिखाई देते हैं। हमको एक हमारी स्मृति जो है उसमें क्या कि कोई भी बच्चा भी होगा जो थोड़ा बहुत समझने लगा उसको भी कोई झलक मिलेगी इनकी बात सुन के, और वो उसका कनेक्शन उसकी स्मृति से होगा। हमारी बचपन की स्मृतियां, हमारी कही सुनी बातों की स्मृतियां कि ऐसा तो लगता है कि हाँ ऐसा होता होगा, वो पढ़ते खुलती है जब इनकी बात दिखती है। तो भारत की जो सभ्यता है, भारतीय सभ्यता, उसका जो उज्जवल पक्ष है या उसकी जो ताकत रही है या उसके जो प्राण रहे हैं उसकी झलक किसी को ज्यादा किसी को कम गुरु जी की बात सुनकर के मिलती है। दूसरा अगर उसमें सोचे तो उसमें सूत्र भी दिखाई देते हैं कि अगर कोई नई व्यवस्था बने कल के दिन तो उन वो व्यवस्थाओं के वो सूत्र, वो प्रिंसिपल्स, वो सिद्धांत क्या हमको गुरुजी की बात से मिल जाते हैं जिसको हम आज भी, क्योंकि सूत्र तो वैसे ही रहते हैं ना, यानी प्रिंसिपल सिद्धांत बदलते नहीं, बाहर का आवरण बदलता रहता। आप शरीर को ढकेंगे ना, धोती से ढके, पजामे से ढके, साड़ी से ढके, किसी भी चीज से ढके, ढकना तो रहेगा ना, ढकने के तरीके बदलते रहते हैं। तो ये जो गुरु जी की बात है उसकी आत्मा अगर कुछ कुछ पकड़ में आती है उसको मुझे लगता है उसकी प्रासंगिकता हमेशा ही रहती है, वो नहीं, वो खत्म नहीं होती कभी। तो ये गड़बड़ कहाँ हो गई ये भी समझ में आता है कुछ कुछ, और अगर हमें कुछ सही करना है तो उसके कुछ हमको प्रिंसिपल्स यहाँ दिखाई देते हैं। बाकी जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ उससे बहुत अलग तरह से गुरुजी बात करते हैं। गुरुजी की बात में रस है, हम लोग नीरस हो गए, पढ़े लिखे लोग, हम लोगों में रस गायब हो गया, तो वो रस आपको मिलेगा। और मैं ये भी कहूँ कि ये जो स्कूल वगैरह का काम हमने किया ये धीरे धीरे मुझे कम से कम, मैं अपनी संस्था की बात अब नहीं कर रहा हूं, मुझे ये लगने लगा पिछले 7-8 साल में कि अभी जो हमारा समाज है वो उसमें बहुत सारे इस तरह की चीज़ें व्याप्त हैं कि उसमें हम मैं जो स्कूल हम लोगों ने चलाया उसके लिए मैं खुश हूँ कि वैसा स्कूल चला। मैं उसमें थोड़ा बहुत मुझे गर्व भी है उस कि इस तरह का स्कूल हम चला पाए, लेकिन बावजूद वो सब के मुझे लगता है उसकी अभी कोई उसकी जगह नहीं है। बहुत मशक्कत करके वो स्कूल चलाना पड़ता है, सहजता से वो स्कूल नहीं चलते। आपके जो अभिभावक हैं बच्चों के उनके साथ मशक्कत करनी पड़ती है, आपके जो सहयोगी हैं उनके साथ मशक्कत करनी पड़ती है, जहाँ से आप पैसे का इंतजाम करेंगे उनके साथ मशक्कत करनी पड़ती है, सहज कुछ भी नहीं रह गया। और ये मुश्किलें लगातार बढ़ी है मेरे जीवन में 25 साल में काम के क्षेत्र में। तो मैं आज इस व्यक्तिगत तौर पे इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अभी इस तरह के काम की बहुत ज्यादा शायद अवसर नहीं है। जो गुरुजी कह रहे हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं उसको समझना, और जो हमारी मान्यताएं आधुनिक समाज की बन गई है, और उसमें मैं सबको मान रहा हूं चाहे हम पैंट पहने या पजामा पहने या धोती पहने, ये जो आधुनिक मान्यताएं हमारे अंदर बन गई है दिमाग के अंदर, जो एक कूड़ा भरा है वहां पे जाने अनजाने, उसकी सफाई बहुत जरूरी है।
उसकी सफाई बहुत जरूरी है। और मैं गुरुजी की जो बात सारी है उसको मैं इस अर्थ में बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ कि वो वहाँ सफाई कर, जब बात खत्म हो तो उस समय हम लोग ये खाने जाने से पहले करीब 1 बजे हम ये तय कर लें कि आपको कितनी देर बैठना है, कब कब बैठना है, थोड़ा मोटा मोटी तय कर लें। तो गुरु जी चाय सबके लिए तो हम तो वो तय करेंगे हम लोग खाने के समय कैसे। कमलेश जी पूछ रहे गुरु जी क्या बात कर रहे सुबह सुबह तो एक शत्रु हो गया हमारा। अच्छा क्यों हो गया भाई? कुछ हो गया कोई ना के आ रहा वही बैठ जा रहा है आपको ये नहीं मैं सुबह सुबह तो एक बातचीत हो गई। अच्छा सब लोग थे एक तो मुझे लगता है कोई 4 दिन में आप कभी शिक्षा के एक बार आप मुझे कुछ कह रहे थे और मैंने आपको ये कहा कि भाई आप 20 में नहीं बोले इस पे पर वो कभी याद आ जाए। शुरुआत तो कल रात से ही करनी थी, कल प्रार्थना हो कि शुरू होगा रिकॉर्डिंग कर लेंगे। सुनो और याद रखो नहीं हमको बहुत लोगों को सुनाना है। आपकी हमारी बातों में रस नहीं होता, आपकी बात में रस होता, आपकी आवाज में सुनेंगे तो ज्यादा। ये गलती मत करना, बहुत लोगों को सुनाने की बात मत करना। बहुत लोग मतलब जो हमारे पहले समझ लेना है ना। जी जरूर समझने के बाद में फिर सुनाने की बात। आजकल तो सारा सुनाने पे चल रहा है, पढ़ाने पे चल रहा है बहुत तेजी से। पहले तो समझना है ना, समझने के बाद जब व्यास महाभारत लिखने के लिए बैठे तो लिखने के लिए कौन बैठे तो गणेश जी को, गणेश जी आ गए मैं लिखता हूँ, चल गणेश जी को बुला लिया। तो गणेश बोले कि देखो ऐसे बोलना है कि मेरी कलम नहीं रुकना चाहिए ठीक है। और बोले कि मैं बोलता हूँ मगर जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम समझ के मेरे को समझा के लिखना है, उसके बिना मत लिखना। तो बुद्धि के देवता को ये बात बोले जो बुद्धि का देवता माना जाता था उसके ये बात बोले कि तुम सुन के समझ करके मेरे को समझा के लिख, बात में लिखना है। ये नहीं कि मैं कुछ भी बोलूँ कुछ भी लिख डालो तुम अपनी समझ से लिखते चले जाओ, ऐसा नहीं होता है ना। सुनना समझना, समझने के बाद में उसके बाद फिर बात करते हैं तो फिर वो अलग बात होती है ना। ये कैसे हम लोग को बहुत घूम घूम करके बहुत जगह सुन सुन के उनसे समझे हैं, सुने बहुत घूमे हैं, खूब मरे मरे घूमता था, कुत्ते के जैसा घूमता था, ऐसा कोई ठिकाना नहीं होता था। कब सूर्योदय के बहुत पहले मैं घर से निकल जाता था ना, किसी दूसरे गांव में ही सूर्योदय होता था जब घूमते थे हम लोग, किसी दूसरे गांव में ही सूर्योदय होता था, उतना सुबह निकल जाते थे। तो सब देखते कोई ऐसा उद्देश्य उद्देश्य भी नहीं था, ऐसा कुछ था भी नहीं, मगर एक था कि चलो देखा जाए बाहर निकला जाए तो निकल जाते थे। पहले तो घूमते थे हम लोग पत्थर ढूंढने के लिए, मूर्तियों के लिए पत्थर काने गया, तो मैं तो मूर्तियां बनाने वाला था, मूर्तियों के लिए पत्थर काम ही ले गया, वो पत्थर के लिए मैं क्या करता था, एक मिठाई की दुकान में बैठता, मिठाई की दुकान में बहुत सारे गांव के लोग कपास लेके आते थे फिर यहाँ मिठाई खरीदने के लिए आते थे। अब वहाँ बहुत गांव के लोगों से वहाँ बातचीत हुई,
मिठाई की दुकान पर, तो बहुत देर तक वो खा भी रहे मिठाई और बातचीत भी कर रहे, तो उनसे कई जानकारियां लेता था कि मूर्तियां बनाने का पत्र कहाँ मिलता है। कोई बोलता था कि फलाने जंगल में है, वहाँ है, यहाँ है। तो फिर मैं साइकिल लेके दौड़ता था कि उस जगह पे बताया है कि वहाँ होगा। जानवर चराने वाले लोगों से पूछता था कि कहीं ऐसे मूर्तियां बनाने का पत्र मिलता है क्या। तो मैं तो मिठाई की दुकान में बैठ करके बहुत लोगों से बात करते रहते थे। आते रहते गांव वाले, वो बहुत सारी चीजें बताते रहते थे, कहाँ किस ढंग का पत्थर मिलता है, कहाँ कौन से ढंग का पत्थर है, हमारे इलाके में कैसे पत्थर है, वो बताते रहते। नहीं, हमारे इलाके में तो मूर्ति बनाने का नहीं है, इस तरह का पत्थर है, कहीं कोई नीला पत्थर है, कहीं कोई हरा हरा पत्थर है। अब वहाँ मिठाई की दुकान में चलते रहते थे बातचीत, बहुत साल वहाँ बैठे रहते थे। एक मिठाई की दुकान में, एक पंसेरी की दुकान में बैठता था, वहाँ बहुत लोग आते थे जड़ी बूटियाँ खरीदने, दवाइयाँ खरीदने, वहाँ बैठे बैठे बातें करते रहते थे। पत्थर कहाँ मिलता है उसके लिए हम बहुत ढूंढते थे, पत्थर ढूंढा जाए मूर्तियाँ बनाने का। तो सभी पत्थर से तो मूर्तियाँ बनती नहीं हैं, और हमारे इलाके में जो देवालय है पूरे, तो कोई चौथी पांचवी शताब्दी के बने हुए देवालय हैं, हेमाड़पंथी देवालय माने जाते हैं। हेमाड़पंत एक शिल्पी हुआ है, आर्किटेक्ट हुआ है, जो देवालय तो बने। देवालय हमारे पास में चार तरह के माने जाते हैं, तीन तरह के मुख्य है, द्रविड़ा, वेसरा और नागरा, चौथा है पल्लवा। तो ये चार तरह के देवालय हमारे, पल्लवा जो है शिल्प शैली का नाम है, द्रविड़ वेसरा, द्रविड़ नागर वेसरा, ये तीन तरह के देवालय हैं, जिसका पूरा नीचे का बेस पूरा चौकोन होता है वो द्रविड़ है, जो लंब कोण में होता है वो नागर है, और जो गोलाई में चलता है ये वेसरा है। तो ये चार तरह के देवालय हैं, ये तीन तरह के देवालय हैं पूरे। फिर इसके चार चार होते हैं, चार चार से 84 तक हो जाते हैं, इस तरह से इनकी शैलियां फिर बहुत हो जाती है। तो हेमाड़ पंत शिल्पी, हमारे इलाके के पूरे देवालय हेमाड़पंथी देवालय। हेमाड़पंथी देवालयों की खास बात यह है कि वो पत्थर में पत्थर फंसाते रह जाते, उसमें कोई मसाला नहीं लगाते, चूना वाना या मिट्टी भट्टी ऐसा नहीं लगा करके पत्थरों की कटाई करके उसमें उसको फंसाते हुए चले जाते हैं। वो एक बहुत बड़ी एक टेक्निक है, विद्या है पूरी। तो भिक्षावृत्ति वाले जो लोग हैं आ जाते हैं हमारे पास में, तो वो बेटे एक तोता खड़ा करते हैं, एक बांस पर एक लकड़ी का तोता उस दूर पर खड़े करना होता है। तो एक बांस में ये वजन बांध करके उसके बीच में लगा करके तोते को खड़ा करना है। तो रामकृष्णा करके एक IIT का लड़का था, इंजीनियर लड़का था, बड़ा सिविल इंजीनियर किया हुआ, कई लोग आते वो देखे, वो देखे ये बड़ा गजब था, ये तो जादू है। तो मैं बोल रहा रामकृष्णा ये जादू नहीं, ये बैलेंसिंग है, ये जादू नहीं होता, ये बैलेंसिंग है, तुम तो इंजीनियर लोग हैं तुम, क्योंकि ये जो बैलेंसिंग है ये हमारे देवालयों में हमारे भवनों में बहुत जगह इस्तेमाल की गई। बहुत सज्जा जैसा जब बाहर निकल करके आता है तो उसको संभाल के रखने के लिए उस सूत्र का इस्तेमाल किया गया है ना। मैं बोल रहा हूँ कि ये बैलेंसिंग है, ये कोई जादू नहीं है, ये ऐसा नहीं होता है। बोलो ठीक है, इनके जाने के बाद मैं करके बताता ना तुम लोगों को, उनके जाने के बाद मैं भी करके बताया उनको, मैं तुमको करके देख लो, तो उनको बड़ा तालू बता कैसा है ये सब कुछ। तो वो हेमाड़पंथी देवालय पूरे जितने भी है, हेमाड़पंथी देवालय जो है पत्थरों से पत्थर को जोड़ते हुए चले जाते हैं लोग, उसमें मसाला नहीं होता है। महाराष्ट्र के बहुत देवालय हेमाड़पंथी देवालय है, वो एक शिल्पी हुआ है, शिल्पी तो हमारे पास बहुत हुए हैं। हमारे पास जो मुख्य बहुत सारे ग्रंथ चलते हैं, माया वास्तु, काश्यप शिल्प सूत्र, विश्वकर्मी, नरनीति, सम्रांगण सूत्र, अपराजित पुरुष, अग्नि पुराण,
विष्णु धर्मोत्तर पुराण, ये सब शिव से जुड़े, शिव शास्त्र से जुड़े ग्रंथ है, उसमें बहुत सारी चीजें मिल जाती है। तो वो पत्थर ढूंढने के लिए मैं घूमता था कि हमारे इलाके में ये पत्थर तो है नहीं, ये पत्थर कहाँ से लाए और मूर्ति किससे बनी है। मूर्तियों का एक विशेष पत्थर था, मतलब इतनी दूर से तो लोग लेकर के नहीं आते हैं, कहीं ना कहीं हमारे इलाके में होना चाहिए। देवालय में तीन तरह के पत्थर लगते ना, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, तीन तरह के पत्थर होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, ये तीन तरह की शिलाएं। तो ये शिलाओं की जानकारी मैं खूब लिया था एक शिल्पाचार्य के साथ में लेकर, शिलाओं को पहचानना है, कैसे पहचानते हैं शिलाओं को, क्या क्या करते हैं, ये सब कुछ ना। चाय, हाँ, थोड़ी बहुत शिल्प शास्त्र पे बात कर ले क्या? ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक क्या पत्थर? ये पत्थरों में होते हैं, पत्थरों में, शिलाओं में, शिला की बाल अवस्था, तरुण अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था भी होती है शिलाओं में ना, और शिला में ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग भी होते हैं, शिलाओं की निद्रित अवस्था और जागृत अवस्था भी शिला, ये सारी शिलाओं में ये सब होता है, शिला भी सोती है और शिला भी जागृत अवस्था में होती है। शिला जब निद्रित अवस्था में होती है उसी समय उसकी प्रतिमा बनाई जाती है, जागृत अवस्था में नहीं बनाते प्रतिमा। मगर प्रतिमा बनाने के लिए जो शिला ढूंढी जाती है, जो मूल विग्रह बनाना है, उसको बहुत इससे ढूंढना पड़ता है। उसके बारे में जैसा वर्णन आता है कि विमलम हेम कांस्याद चिन्हम लोहमयम चयन तथा विविधम चिन्हम प्रतिमायाम भया। शिला ऐसी होना चाहिए कि जिसमें लोहे का, कांसे का, किसी धातु का कोई गुण ना हो, जिसमें किसी धातु का कोई गुण नहीं होना है, इस तरह की शिला ढूंढ करके उसकी प्रतिमा बनाई जाती है, उसका मूल विग्रह प्रतिमा इस तरह की शिला से बनाना है, उसमें किसी धातु का कोई गुण नहीं। शिलाओं में धातुओं के गुण होते हैं, किसी में कांसे का, किसी में लोहे का, किसी में किसी धातु का, ये दो पेड़ पौधों में भी होते हैं। तो शिला उस तरह की शिला देखना है कि जिसमें किसी धातु का गुण नहीं है, मूल विग्रह उस शिला से ही बनना है, वो ढूंढ करके उसका बनना। तो अब ये तो आचार्यों के साथ में अब ये लिखा हुआ रहे तो कैसे पता चलेगा, ये आचार्यों के साथ में रह करके ही पता चलता था कि क्या शिला के क्या गुण है, क्या दोष है, क्या है। मैं बहुत सारे रहा, शिल्पियों के साथ भी रहा, खूब सेवा किया उनकी, तो बड़ा मजा आता था। हमारे पास में गुरुओं से बात जब निकालने का रहता ना, जैसे सभा भाव में नहीं, सभा में शास्त्रों की बात करते थे, जब वो खाना वाना खा के बस लेट जाते थे ना, धीरे धीरे वो बहुत रहस्य की बातें उस समय गुरु महाराज करते थे, बहुत रहस्य की बातें उस समय बताते, वो अरे सभा भाव में नहीं बताते, सभा में सूत्र बताएंगे, सिद्धांत बताएंगे, क्या क्या बताएंगे, वो पैर दबाते रहे, अपने पैर दबाने में फर्क आया कि उसकी बात रुक गई, वो बात रुक जाती है, फिर ना फिर कितना भी पूछो नहीं बताएगा। फिर वो शंका ही है, बोलता हूँ मैं जो बोल रहा हूँ उससे शंका ही तेरे को। वो बहुत एक दो शिल्पियों के साथ में रह करके किया, ये सेवा भी करते रहे, बहुत सारी बातें वो बताते रहते हैं कि शिला की परीक्षा कैसे करना है, स्त्रीलिंग शिला क्या है, पुल्लिंग शिला क्या है, नपुंसकलिंग शिला किसको कहते हैं, जिसमें अग्नि, जल और नाद ये तीनों गुण समान रहते हैं ना, तो वो जो शिला है वो पुल्लिंग शिला है, वो तो पुल्लिंग शिला है। और फिर
जिसमें अग्नि का तत्व कम हो जाता है, उस जिसमें ये तीनों गुण नहीं रहते हैं वो नपुंसक है। देवी की प्रतिमा बनाना है तो स्त्रीलिंग शिला सुखना है, उसके नीचे का पीठ जो होता है पुल्लिंग शिला। अगर किसी पुरुष की प्रतिमा बनाना है, देवता की प्रतिमा बनाना है, तो उसका नीचे का पीठ स्त्रीलिंग शिला ऐसे, और देवालय पूरा नपुंसक शिला से बनाया है। शिलाओं के ये है, मगर शिलाओं में फिर बहुत रंग है, बहुत तरह के रंग है ना, उसमें भी बहुत शिलाएं बहुत कोमल होती है, बहुत शिलाएं बहुत कठोर होती है, ये सब है। हर जगह की शिला एक ही तरह की नहीं है, बहुत शिलाएं बहुत कठोर होती है, मगर मूल विग्रह उसी शिला का बनाना होता है। विठलेश की प्रतिमा जो है वो शिला बहुत कठोर है, यानी वो घसती नहीं है, ऐसी शिला होना चाहिए जो घस नहीं जाना चाहिए, निरंतर उसको धोते नहाते रहते हैं ना, तो उसमें घसना नहीं चाहिए। तो ये सब जो प्रतिमा है, कैसी बनना है, क्या क्या बनना है, बहुत भांति भांति की प्रतिमा है। ये बुद्ध की प्रतिमा भी ऐसे ही बनती थी? हाँ, यानी बुद्ध की प्रतिमा जो बनी है शिलाएं देखते हैं, और शिल्प शास्त्र शिलाएं देखना पड़ता है। बुद्ध की उत्तर हिंदुस्तान में जितना भी है पूरा सैंडस्टोन में बनी है, बुद्ध की प्रतिमा है चुनार के पत्थर में ग्रह में बनी है, उसे वास्तव में तो शिल वो शिला तो नपुंसक है, वो शिला उसमें बनी है, मैं उसमें भी तो देख लेते थे। मगर उस समय क्या था कि ये जो सैंडस्टोन है, जो ये पत्थर है, इस पर पॉलिश नहीं होती है, मौर्य काल में उस पर पॉलिश हुई बड़ी अच्छी, तो वो लोग एक लेप तैयार करके उसको लगाते थे, उसको वज्र लेप नहीं करते। उस काल के बाद में वो लेप के बारे में किसी को पता नहीं चला जो क्या लेप करते थे, जिससे वो पॉलिश करते थे। तो ये दक्षिण में जो बहुत सारी जो मूर्तियाँ बनती थी, पॉलिश बहुत अच्छी पॉलिश करते थे। पॉलिश को उन लोग करते थे, वो जेल के कैदियों को लगाते थे पॉलिश करने के लिए, रगड़ने के लिए ना, पूरे कैदियों मस्त मस्ती से बैठ के उसको रगड़ते थे, बाहर बैठ करके ना कैदियाँ रगड़ते रहते थे, कुंडे में बैठ के रगड़ते जाओ सारा सारा दिन चलता है, तो उसको बहुत सुंदर पॉलिश करते थे, उसे करवाते थे ना, उनको और कोई काम तो रहता नहीं था, पॉलिश करते रहते थे। पॉलिश करने के बहुत ढंग है, आखिरी पॉलिश जो होती है उसके ऊपर में वो मछली की हड्डी से होती है, मछली की हड्डी से पॉलिश करते थे उसके बाद ना कि जिसमें चमक आती थी, और बहुत बार उसके ऊपर जो एक चमक आती है ना, एक ग्लेज जैसा हो जाता है ना, उसको ये लोग खत्म करना आते थे। हमारे पास में उस तरह की चमक को अच्छा नहीं मानते हैं लोग, इसलिए हमारे पास सिरामिक बहुत ज़्यादा नहीं चला, सिरामिक का बर्तन हिंदुस्तान में नहीं चला है, क्योंकि उसके ऊपर की जो चिकनाहट जैसी जो चमक होती है ना, वो हमारे लोगों को अच्छी नहीं लगती, हमारे स्वभाव में वो उसको पसंद नहीं करते हैं, तो उस तरह की पॉलिशों को भी हम लोग अच्छा नहीं मानते, तो उसकी उस चमक को ख़त्म करना होते थे, कुछ तेजाब से धो आ करके ख़त्म करना होते थे। मगर देवताओं की जब धातु की प्रतिमाएँ बनती थी, धातु की प्रतिमाएँ बनाने के बाद में ऐसी जगह गाड़ देते थे चार अंगुल मट्टी के नीचे, जहाँ बहुत सारे लोग पेशाब करते थे। उससे उस पर एक तरह का रंग आता था, बाद बाद में गौशालाओं में गाड़ने लगे, गो के मूत्र से भी उस पर एक तरह की का एक रंग आ जाता था, जो परमानेंट रहता था, हमेशा रहता था, उसको ऐसे चमका चमका के नहीं रखते थे ना, उसको कथाई कथाई किस्म का रंग आ जाता था, वो गोमूत्र से आता था, गौशालाओं में उसको गाड़ के रखते थे लंबे समय तक चार अंगुल मट्टी के नीचे, मूत्र तो एक तरह का एसिड है ना, उससे वो प्रक्रिया होती थी, तो ऐसे रखा जाता है मूर्ति को। बाकी ये शिलाओं की जब मूर्ति बनाते थे वो तो नक्षत्रों को देख करके बनाना होता है, इसलिए मूल विग्रह बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है, क्योंकि नक्षत्र के अंदर ही उसको पूरा करना है, तो मोटे तौर से आकार देते थे बैठा डालते थे,
पूरी मूर्ति बनने के बाद प्रतिमा को 3 महीने पानी में छोड़ा जाता है जल में, और 3 महीने धूप में रखा जाता है, तो 3 महीने फिर 9 धान्य के अंदर रखा जाता है, अनाज के अंदर। उसके बाद 3 महीने उसको जड़ी बूटियों के रस में डाला जाता है, बहुत तरह की जड़ी बूटी उसके प्रमाण है पूरे, उसमें डाल करके रख डालते हैं। जिस शिला में किसी धातु का कोई गुण नहीं तो वो ये पूरी ये जड़ी बूटियों के रस को ग्रहण करके औषधिमय हो जाती थी, प्रतिमा एक दवाई की तरह तैयार हो जाती थी शिला ना। तो उसको जब खड़ा करते थे उसमें जो अग्नि तत्व है उसको बल देते थे, वो प्राण प्रतिष्ठा है। मैं प्रतिमा खड़े करने के पहले उसके नीचे कई किलो पारा डाला जाता था कि प्रतिमा का जो निचला हिस्सा है बेस वो पारे में डूबना चाहिए कि नीचे से कोई भी कीटाणु उसमें प्रवेश न करे, उतना पारा उसमें डालते हैं। उस पर वो प्रतिमा खड़ी करते हैं, जब उसको धो आ करके जो पानी देते थे ना, उस समय ये बात बोलते थे कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाश नाम, जो अकाल मृत्यु को हरने वाला है और सारी बीमारियों को दूर करने वाला वो तो दवाई है ना, फिर ऐसे इतना तोड़ के ला दिए उसको मात्राओं की तरह रगड़ के दवाई पिलाते थे। ऐसा पिछले हिस्से गायब है कई मूर्तियों, लोग तोड़ तोड़ के भाग गए, दवाई की तरह बनी हुई है जड़ी बूटी जो उसमें शासनों को धो धो के पी गए लोग। किसको शासन होते ना शिलालेख, अच्छा जो यंत्र खोदे हुए है क्या क्या है उसको भी धो धो के पी जाते, वो भी गायब हो गए, बहुत सारे धोने धोने में गायब हो गए, खूब धो धो करके पी गए तो ना बीमारियां ठीक होती, यंत्र है ये वो औषधि में वो शिला। तो उसके बाद फिर गर्भगृह में किसी को भी जाना निषेध करती है, तोड़ वाड़ करके भाग जाएंगे मूर्तियों को लेकर के, मात्राएं बना करके दवाइयों की तरह उसको इस्तेमाल करते हैं, तो उसको उस तरह से तैयार कर डालते हैं। तो ये जैसा है कि बहुत सारे पत्थर बहुत तरह से काम में लेते हैं ना, ये कैसे पता चलता था कि वो निंद्रा अवस्था में है जागरूक अवस्था में है? सीधा पता चलता है, हम लोगों को पता चलता है शिला की कुछ हजारों साल बढ़ने की उम्र, फिर उसका बढ़ना रुक जाता है, बढ़ना रुकता है उसका, जब उसका बढ़ना रुकता है तो वो उसकी निंद्रा अवस्था में आ जाती है, फिर बहुत सौ सालों के बाद फिर वो बढ़ने लगता है, कभी बढ़ता है कभी रुकता है, जब वो रुक जाता है शिला की प्रक्रिया पता चलती है, बाल अवस्था में है, तरुण अवस्था में, युवा अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में, वृद्धावस्था में, मगर ये बहुत सारी जो शिला जब निकाली जाती है जमीन में से तो वो बाल अवस्था में तरुण अवस्था में होती है, तरुण अवस्था में जो शिला होती है उसी की प्रतिमा बनाते थे, वृद्धावस्था में जो शिला है उसकी प्रतिमा नहीं बनाते थे क्योंकि वो तो जल्दी खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, लंबा समय नहीं रहेगी ना, वो धरती के बाहर निकलने के बाद उसकी उम्र घटना चालू होती है, मगर इस शिलाओं की उम्र कुछ हजारों साल होती है, कुछ सौ साल होती है, कुछ हजार साल होती है, तो ये होता है शिला में वो पहचान में आता है, ऐसा नहीं कि नहीं पहचान सकता, मगर ज़रा अनुभव लेना पड़ता है आचार्यों के साथ में बैठ करके, वो जो काम करने वाले लोग हैं क्योंकि मैं ऐसे लोगों को देखा उनके साथ में रहा हूँ मैं ना, वो जो ये जानते थे बहुत अच्छे, इसके शास्त्र भी है, शास्त्र है, शास्त्र बहुत है, शास्त्र शास्त्र जैसे है ठीक है, ये परीक्षा की बात है, मगर परीक्षा है तो आचार्य के साथ अनुभव लेने की बात होती है, शास्त्र है कि ऐसा होता है, शास्त्र प्रतिमाओं के लक्षणों के शास्त्र है, मूर्ति विज्ञान पूरा है कि किसकी प्रतिमा कैसे बनना चाहिए, किसकी कैसे बनना चाहिए, किसकी किस शिला से बनना चाहिए, तो कौन सी कैसे बनना चाहिए, ये शास्त्र है बहुत सारे, वो लिखा गया है अच्छे से कि प्रमाण क्या होना चाहिए, कैसे प्रमाण, घर में रखने वाली मूर्ति कितनी है, देवालय में रखने वाली मूर्ति क्या प्रमाण की होना चाहिए,
देवालय में घरों में रखने वाली मूर्ति एक अंगुल से लेकर 12 अंगुल तक की, 12 अंगुल से लेकर के 9 हाथ तक की प्रतिमा देवालय में पूरी होती है। 9 हाथ से लेकर 24 हाथ की प्रतिमा जो होती है वो बिना देवालय के भी पूरी जा सकती है। 24 हाथ से लेकर के 34 हाथ तक की जो प्रतिमा होती है वो बिना देवालय के पूरी जाती है, मगर उसको चबूतरे पे खड़ा करना होता है। ऐसे एक अंगुल से लेके 12 अंगुल तक की प्रतिमा घर में, उसको चल प्रतिमा। घर में तुम प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, पूजा कर सकते हो, इससे बड़ी मूर्ति नहीं होना है। कभी घर छोड़ करके जाना पड़े तो अपने देवताओं को साथ में ले जाना है, है ना, साथ में ले जाना है, उसको वहां छोड़ करके नहीं। अगर एक हाथ से लेकर के 9 हाथ तक की प्रतिमा को फिर देवालय नहीं जाता। अभी क्या हुआ, हमारे पास में बहुत बड़ी बड़ी गिनिंगें बनी हैं, हर गिन में सिर्फ लोग मंदिर बना दिया, मंदिर बना दिया। तो एक दिन मेरे पास में आया कि दीदी हम मंदिर को बना लिए, उसमें मूर्ति कितनी बड़ी मूर्ति बैठाना है, कहाँ से लाना है। तो मैं बोला कि 12 अंगुल की मूर्ति बैठा लो, 12 अंगुल की मूर्ति इतना बड़ा मंदिर बना है, वो तुम्हारा घर है, आधे का जीन बेच के भाग जाओगे तो तुम, फिर ये देवता तुम्हारा इसको भी बेचोगे। और मुसलमान अगर खरीद ले और कोई और दूसरा खरीद ले जो इसको नहीं मानता है तो इसका क्या करेगा। तो इसलिए तुम 12 अंगुल की प्रतिमा रखो, उसको ले जाओ, उसको उठा के जहां भी जाकर के भी ले लियो, लगा लो। नहीं नहीं, ये फिर हम बड़ी मूर्ति अगर उसमें बैठाना है तो क्या करना है। एक रास्ता जो है कर लो, ऐसे वो देवालय और देवालय का एक रास्ता बनो, एक फाटक लगा, और ये संकल्प करो कि जिस दिन हमको किसी कारणवश यहाँ से जाना पड़े उस दिन ये देवालय और ये रास्ता ये समाज का होगा, उसको समाज का घोषित करके तुम बड़ी मूर्ति बिठा लो, अपनी जागीर मत समझो उसको। तो फिर बहुत सारे लोग उसी करेंगे, तो उसका एक अलग रास्ता बनाए, मंदिर तो बनाए, फिर उसमें प्रतिमा बैठा, किसी कारणवश जाना पड़े फिर वो देवालय तो समाज का है, अपनी जागीर बना करके नहीं रख सकते। ये मूर्ति बनाने के पहले क्या मूर्तिकार को कुछ ध्यान पूजा करना है, क्योंकि धनुर्विद्या में जब शिष्य धनुष खींचता है, बाण खींचता है, उसका उस्ताद जब तक उसको बाण छोड़ने की आज्ञा नहीं देता था, जब तक जब वो आंखें बंद नहीं करता, लक्ष्य को देखना है, जब वो लक्ष्य को देख के आंखें बंद करता था उसके बाद बाण छोड़ना है, आंखें फाड़ करके बाण नहीं छोड़ सकता था, नहीं जाता था। नहीं, तुम्हारा निशाना ठीक नहीं बैठेगा। तो वो होता है, तो ये प्रतिमा जैसे बनाना है, जिसकी भी प्रतिमा बनाना है तो उसकी निष्ठाएं अपनी होती है, शिल्पी को पालन करना पड़ता है। जब मूल विग्रह बनाना है तो शिल्पी को ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना पड़ता है, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना होता है उसको, और उस प्रतिमा का पूरा ध्यान करना है, कई दिन तक उसके ध्यान उसका ध्यान करते रहना है, यहां तक कि उसको आंखें बंद करने के बाद वो दिखना है। पूरा ध्यान में क्या है कि उसका क्या क्या है, उसके हाथ में क्या क्या चीजें हैं, उसका पूरा प्रमाण क्या है, प्रपोर्शन क्या है। पार्वती की प्रतिमा बनाना है तो अष्टांशा पार्वती देवी सर्वे देवानांशिका दस्तारो भविद्रामो बलि रुद्रो जिनाश्चिवा। पार्वती की देवी 8 ताल में बनती है और 9 ताल में सभी बाकी देवताओं की प्रतिमा बनती है, 10 ताल में जैनियों की प्रतिमा, जिन की प्रतिमा बनती है, बलराम की प्रतिमा बनती है 10 ताल। काला एकादश स्तंभो हनुमान भूत चंडिका काला द्वादश वेताला राक्षसांच त्रयोदशा। 11 ताल में हनुमान की प्रतिमा बनती है, चंडिका की प्रतिमा बनती है भूतों की, 12 ताल में वेताल की प्रतिमा बनती है,
13 ताल में राक्षस की प्रतिमा बनती है, 14 ताल में दैत्य की प्रतिमा बनती है। तो ये जितने भी सारे लोग हैं इनके प्रपोर्शन अलग है, राक्षस दैत्य दानव असुर ये सब अलग अलग है, शिल्प में इन सब का प्रपोर्शन अलग है, अलग अलग है, दैत्य अलग होते हैं, राक्षस अलग होते हैं, असुर अलग होते हैं, दानव अलग होते हैं, इनका मैं दानव बलि दानव रावण असुर था, मारिच राक्षस था, ऐसे वो रावण जो है मारिच के पास जाके बोलता है कि चल सीता को लाना है हिरण बन, वो राक्षस माया भी होते थे, असुर माया भी नहीं, असुर माया भी नहीं, असुर बलशाली होते थे, माया माया भी राक्षस होते थे। तो ये भेष बनाता है सन्यासी का, और मारी छिरन बनता है, रावण भेष नहीं बन सकता, वो माया भी नहीं था, वो बलवान तो ये राक्षस माया भी, इनके सबके शिल्प में प्रमाण प्रपोषण अलग अलग। महिषासुर असुर था, रावण वो असुर था, ये सब अलग अलग, लेकिन शिल्प में इन सबके प्रपोषण अलग अलग, एक ताल द्वितार पंचताल ताल मतलब ताल मतलब यहां से लेकर के यहां तक एक ताल माना जाता है। अच्छा, यहां से लेकर के यहां तक का एक ताल माना जाता है हमारे पास, हमारा चेहरा एक ताल यहां से लेकर के यहां तक का, और ये पूरे शरीर को 9 ताल में बांटते हैं, 9 हिस्सों में बांटते हैं, आधुनिक पाश्चात्य पद्धति में 7.5 सर का होता है ना, यहां से रूप करते हैं 7.5 में शरीर को बांटते हैं, ऐसे उस तरह से वो बांटते हैं, हमारे पास में 9 ताल का प्रमाण है। गणेश पंचताल में, गणेश की प्रतिमा पंचतार, बौने जो लोग होते हैं बौनों का जो प्रपोर्शन होता है वो है, सर बड़ा होता है, धड़ बड़ा होता है, हाथ और पैर छोटे होते हैं, हाथ और पैर छोटे होते हैं, गणेश की प्रतिमा पंचतार, यक्ष की प्रतिमा पंचतार। यक्ष क्या है, वो किस कैटेगरी में आता है, वो मान यक्ष पूरा है, जैसे कुबेर यक्ष था, तो मानव की देव की कुबेर जो है यक्ष था, नारद और तुम्बर किम पुरुष थे, नारद और तुम्बर किम पुरुष माने जाते हैं, और कुछ लोग किन्नर माने, गंधर्व किन्नर माने जाते, गंधर्व अलग थे किन्नर अलग थे, ये सब अलग अलग है, इन सबके शिल्प शास्त्रों में प्रमाण अलग है, प्रपोर्शन अलग, किसको बनाना है तो उसका क्या प्रपोर्शन होता है, ये बहुत है शिल्प शास्त्र में। गणेश की मूर्ति पंचताल, 5 ताल में, यक्ष की मूर्ति भी पंचताल, वो खड़े गणेश की 5 ताल, खड़ा हो बैठा हो, अच्छा तो उसमें धड़ बड़ा होता है, सर बड़ा होता है, हाथ और पैर छोटे हो जाते हैं, जो बोने लोग जो होते हैं ना वो पंचताल वाले माने जाते हैं, बोनों को गणेश का भी उच्च प्रपोर्शन है। और मेरे से कोई पूछा दूसरी गणेश को हाथी का सर, गणेश जी को हाथी का सर, मैं बैठे बैठे बोला देखो भाई, पहले जब हमारे पास में कोई राजा वाजा अचानक मर जाए, अपना उत्तराधिकारी कायम किए बिना, तो लोग ये सोचते थे कि हाथी क्या स्वर्ण में माला दे तो वो जिसके गले में डालेगा हाथी उसको राजा बना देंगे, बहुत कहानियां ऐसी आती है, वो हाथी जा करके जिसके भी गले में माला डालता तो उसको राजा बना दिया जाता। लोगों का मानना ये है कि हाथी सही का चुनाव कर सकता है, सही मनुष्य का चुनाव हाथी कर सकता है, सत्य का चुनाव हाथी, सही का चुनाव हाथी करता है, तो जो सही चुनाव कर सकता है वो गणेश है ना, वो हाथी का सब इसलिए उसको है, क्योंकि जो भी
इतना बुद्धिशाली है कि वो हर चीज को वो कर सकता है। तो ये गणेश जैसा है, मगर गणेश हमारे पास में पार्वती का ही पुत्र नहीं है। गणेश हमारे पास बहुत गणेश है, शिल्प शास्त्र में 32 गणेश बाल गणपति, तरुण गणपति, भक्त गणपति, वर गणपति, क्षिप्र गणपति, क्षिप्र प्रसाद गणपति, उद्गण गणपति, महागणपति, लक्ष्मी गणपति, सिंह गणपति, नृत्य गणपति, ऐसे धुंडी गणपति, ऐसे 32 गणेश। तो सिर्फ नाम अलग है या असली में अलग है? सब अलग होता है इनका, मतलब असली नाम से लेके सब कुछ अलग होता है। नहीं, सिर्फ नाम इनका अलग है, जैसे भगवान के राम के कई नाम है या फिर विष्णु जी के कई नाम है, ऐसे इनके भी कई नाम है। असली में 32 गणेश अलग अलग तरह प्रकार के। अच्छा, सभी गणेश पार्वती के। धूम्र केतु गणपति काश्यप का पुत्र, धूम्र केतु गणपति वो अलग है। अष्टविनायक षोडश गणपति, 32 गणेश, उसके बाद फिर बहुत गणपति होता है, बहुत गणेश, ऐसे कोई 300 के आसपास गणेश के रूप में होता है। एक प्राच्य गणपति, प्राच्य गणपति कपाल पे बैठ, उसका आसन कपाल, उसका अलंकार पूरा कपालों का, खोपड़ियां लगी रहती पूरे अलंकार, कान में खोपड़ी, हाथ में खोपड़ी, गले में खोपड़ियां, गाने में आसन भी कपाल, प्राच्य गणपति। ऐसे बहुत गणेश हैं अपने पास में, अलग अलग गणेश बहुत हैं, मगर गणेश के बाद में बहुत तरह से बनते हैं। सुपारी रख करके गणेश हो जाता है, सुपारी, आम के 5 पत्तों की डाल रख करके गणेश हो जाता है, हल्दी का गणेश हो जाता है, एक गणपति होता है अर्क गणपति इसको बोलते हैं। अर्क गणपति क्या है कि सफेद आंकड़ा होता है ना, सफेद फूल जिसमें होता है अर्क का आंकड़े का, तो उसको लगा करके उसमें 33 साल पानी देते हैं, तो उसकी जड़ में गणेश का आकार हो जाता है। पुष्य नक्षत्र में उसको निकाल करके खोदा जाता है और वो आकार को जो रखा जाता है अर्क गण, उसमें गणेश का आकार आ जाता है। नागपुर में बहुत लोगों के घर में है, नागपुर में है, मैं कईयों के घर में देखा अर्क गण, उसकी अपनी निष्ठाएं बहुत होती है, वो आंकड़े के इससे बनाते हैं। पुष्य नक्षत्र में मैं भी एक बार बनाया था वो मंत्र वंत्र पढ़ते जा रहे, जो भी करना है वो कर रहे। गणेश बनाया था आकरे का। गुरु जी अंदर वो कलागे होता है, अंदर वो कलागे होता है, अलग अलग होते हैं गणेशों के, तो बहुत सारे ख्याल जा रहे हैं। शिव गणपति है, शिव गणपति में तो गणेश का मुंह शिव की तरह होता है, उसमें गणपतिनी भी है। पूना की इलाके में एक मंदिर है जो पूरा स्त्री रूप में गणेश, वैष्णव लोग जिसकी पूजा करते हैं वो विश्वक्षेम है। अब ये बाकी गणेश तो शैव है, वैष्णव शैल की कैसे पूजा करेंगे, विष्णु की गणेश की पूजा तो उनको भी करना है, वो विश्वक्षेम नाम लगाए उसका। उसके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म होता है, वो विश्वक्षेम की पूजा करके बाकी पूजाएं चालू करते हैं। लेकिन एलिफेंट फेस होता है, हाँ बिल्कुल, हाथी का सर होता है। कुछ गणेशों में हाथी का सर नहीं होता है, कुछ गणेशों में सिंह का सर होता है, किसी सिम लाइन लाइन दाहिने सोल वाले गणेश जी को बहुत। अब देखो दाहिना सोल या बायना सोल, माया सोल सही है लोगों का ही है, बाकी सभी में शिल्प में तो सब दाही तरफ ही सोल पलटी भी रहती है। अच्छा, मैं महाराष्ट्र आगरा में अब ये रिवाज है कि बाई तरफ के सोल वाले गणेश की ही पूजा करना है, वो लड्डू खाता है। दाहिने तरफ वाले बहुत कड़क, उसकी बहुत निष्ठाएं होती है, कर कर आ करके वो करते रहते हैं। गणपत्य संप्रदाय में भी चलता है, आम जन सामान्य में ऐसा कुछ नहीं, गणपत्य संप्रदाय वाले ये सब करते रहते हैं। ये 32 गणेश, मैं तो शिल्प शास्त्र के अनुसार ये पूरे गणेश में बनाया ना,
मिट्टी में बनाया था, काफी पड़े हुए आश्रम में बैठ करके पूरा बनाया, एक बड़ा बड़ा पट बनाया जिसमें 32 गणेश पूरा बनाया, पट में हम लोग बनाए थे 32 गणेश का पट बनाया। तो ये अलग अलग रही, मतलब ये प्रतिमाएं बनाते समय निष्ठा से बहुत रहना पड़ता है, शिल्पी को उसकी निष्ठाएं होती है कि कैसे ही रहना है। अब ये जो हमको आता है जगन्नाथ की मूर्ति बनाते समय ये था कि उसको कोई देखना नहीं, कई बार मूर्तियां बनाते समय भी किसी को भी देखने नहीं देते ऐसा ना, देखना वो एक है कि पूरी निष्ठा से पूरे श्रद्धा से हो जाएगा और समय से हो जाएगा, टाइम से हो जाता है ना, नहीं ये सब पालन वालन करेंगे तो फिर गड़बड़ रहती है, चलता है फिर आराम से कुछ भी करके करते रहते हैं ना। गणेश की प्रतिमा बनाते समय पे अब जब मैं क्या करता हूँ कि कभी कभी अभी जब देवी देवताओं की प्रतिमा बनाना है पीतल में ढलाई करने के लिए, पीतल की ढलाई मैं खूब करता हूँ, पीतल की ढलाई ओझा भी करते हैं, पीतल की ढलाई बर्तन बनाने वाले भी करते हैं, पीतल की ढलाई शिल्पी भी करता है, प्रतिमा बनाने वाला मूर्ति देवता की मूर्ति बनाने वाला, इन सबका बैठने का काम करने का ढंग अलग है, सब मोम से बनाएंगे, सब पीतल की ढलाई करेंगे, मगर इनका सबका सब कुछ अलग है। मोम से क्या बनाएंगे? मूर्ति मोम से, पहले जो मोम सांचा मोम से बनाएंगे। तो मैं जब देवताओं की प्रतिमा बनाना होता है तो मैं भी यज्ञोपवीत एकला पैर के बैठता हूँ, ओझाओं का काम करना है तो यज्ञोपवीत एकला निकाल के बैठता हूँ, क्योंकि ये दो तरह के काम अलग अलग काम है, इसमें पूरा उस तरह से बैठना है, इसमें हम औजार हथियार को अलग ढंग से इस्तेमाल करते हैं, वही मोम के काम में औजार हथियार को अलग ढंग से इस्तेमाल करते हैं ना। अब क्या है, बहुत बार ओझा लोग मुंह में औजार लगा करके काम करते रहते, मुंह इसको नहीं छपा मुंह में लगा करते रहते है ना। अब देवता की प्रतिमा बनाते समय ऐसा नहीं कर सकता है। अब जैसे कई मूर्तियां मैं बनाई उसी हिसाब से बनाया, निष्ठा से, जैसे होती है कि कैसे बैठना है, स्नान करके कब तक, एक बार मूत्र विसर्जन के लिए गया है फिर या तो मूर्ति में बैठेगा तो स्नान करके बैठना है तो नहीं बैठेगा, वो उतना ही सब वो काम करता है, तो वो अच्छी पद्धतियां हैं। आपने गणेश की कई मूर्तियां बताई तो मैंने पीपल के पत्ते से भी बनी हुई देखी गई, आप कई एड्स वगैरह में देखी या कहीं कंप्यूटर पे देखी पीपल के पत्तों को यूज करते नहीं, ये तो अभी अभी नए नए जो बहुत सारी चीजें बन रही हैं पीपल के पत्ते से, या ये पेंटर आएगा कलाकार जो बनाए हैं, और शिल्प शास्त्र का भी जितना है हमारे पास में वो है। अभी इसमें जैसे है कि प्रतिमा अगर टूट जाती है तो हमारे पास में शिल्प शास्त्र की निगाह है कि अति तब्दः शतः मूर्ति, कि 100 साल से प्राचीन अगर कोई प्रतिमा है वो अगर टूट जाती है तो पूजा की योग्य है, 100 साल के भीतर बनी हुई मूर्ति अगर कोई टूटती है तो उसको नहीं पूजा जाता है, उसको बदलना, क्योंकि 100 साल के अंदर उसको बनाते बनाने वाले लोग रहते हैं या बनता हुआ देखने वाले लोग रहते हैं, वो उस ढंग की बना देते हैं ना ऐसे। ये शिवलिंग को लागू पड़ता है, यही चीज शिवलिंग पर लागू पड़ती है, शिवलिंग बहुत तरह के है हमारे पास में, वो 100 साल से ज्यादा लिंग हमारे पास में बहुत तरह के है, उसे लिंग जैसा है अंगुष्ठ मात्र से चालू होता है और 9 हाथ तक के लिंग बनते हैं, पूरा 2.5 हाथ का जो लिंग होता है वही शिवलिंग होता है, जो 2.5 हाथ का होता है पूरा वही शिवलिंग है, उससे 4 अंगुल अगर बढ़ जाता है तो उसका नाम बदल जाता है, कीर्णाक्षा वीरूपाक्षा वामदेवा सद्योजाता अघोर, ऐसे 365 नाम है, जो पूरा 9 हाथ का लिंग होता है वो भीमेश्वर होता है, वही लिंग भीमेश्वर माना जाता है। ये वरंगल के पास में पालमपेट एक जगह है, वहां रामप्पा देव,
वहां पे 365 भाव, वहां इसी प्रमाण से पूरे लिंग बैठे हैं, अंगुष्ठ मात्र से लेकर नौ हाथ तक, बहुत छोटे 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 बहुत सुंदर मंदिर बने हुए हैं। रामप्पा देवालय वरंगल देकर पे रामप्पा का जो मंदिर बनाया है वो काकतीय राजाओं का सेनाधिपति जायब सेनानी बनाया। तो जायब सेनानी जो है वो सेनापति था, पर वो बहुत सुंदर नाट्य शास्त्र लिखा, नाट्य में बहुत पारंगत था। तो देवालय भी पूरा नाट्य शास्त्र वहाँ के रामप्पा के देवालय है। तो उसे शिव के सप्त तांडव माने जाते हैं। उसके बाद वहां से एक तांडव रेलनी तांडव जो है, जो लड़ाइयों में जाते समय जो तांडव किया जाता था युद्ध की प्रेरणा देने के लिए, वो भी एक तांडव। तो वो तांडव वहां पे उसमें खोदा गया है, उससे निकाल करके फिर वो नटराज रामकृष्ण एक तांडव को किए है ना, प्रेरणी तांडव माना जाता है। युद्ध के समय पे जाते समय तांडव होता था युद्ध की प्रेरणा देने के लिए। आपने मुझे एक हाथ बोला कि ढाई हाथ का, जो हाथ का मतलब क्या हुआ, ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक? अच्छा, तो नौ हाथ का मतलब लगभग 10 फुट के लगभग होगा वो, तो ये ऋषिकेश में? नहीं, एक हाथ डेढ़ फीट का, डेढ़ फीट। अच्छा, अच्छा, ऋषिकेश में 10 फीट के का शिवलिंग है, तो मैं क्या पता नहीं, वो तो भीमेश्वर ही बोलेंगे उनको, नहीं? नहीं, नौ हाथ का बड़ा होता है। अच्छा, भीमेश्वर के देवालय सभी जगह नहीं है। अच्छा, कुछ जगह पे देवते हैं, ज्योतिर्लिंग अलग है, स्वयंभू लिंग अलग है, रसलिंग अलग है। रसलिंग जो है पूरे ये रसायन क्रियाएं करके बनाए गए, आलमपुर में जो है पूरे रसलिंग है, वो जड़ी बूटियों के रसों से तैयार किए हुए होंगे, वो रसलिंग है। फिर शिवलिंग है, शिवलिंग में बहुत सारे स्वयंभू लिंग है, स्वयंभू में भी कई तरह के बाण लिंग अलग है। रामलिंग अलग है, शिवलिंग अलग है। हमारे इलाके में रामलिंग बहुत है ना, जो इस तरह से ऐसे जाते हैं सीधा कट होता है, ये पूरे अनंत है जिसका कोई अंत नहीं, इस तरह से चल इसका कोई अंत नहीं, अनंत मान उसमें वो सब है, उस तरह से बनाया गया है ना। बहुत तरह के लिंग है, पार्थिव लिंग फिर अलग हो जाते हैं, मिट्टी वट्टी से बना करके करके आते, पार्थिव लिंग अलग है। आत्मलिंग अलग है, आत्मलिंग अलग है। आत्मलिंग के इतने देवालय हमको मिलते नहीं है, रामेश्वरम आत्मलिंग माना जाता है, बैद्यनाथ भी आत्मलिंग ही माना जाता है, अमर हनुमान की जो प्रतिमाएं बनती है, हनुमान की 3-4 तरह की, हनुमान स्वतंत्र देवता नहीं, इसलिए हमारे पास में हनुमान के स्वतंत्र देवालय बनाने का विधान दिया था। समर्थ गुरु रामदास के बाद महाराष्ट्र में हनुमान के बहुत देवालय है, वो हनुमान को रख करके व्यायाम वर्जिश अखाड़े चलाते थे, वो फिर देवालय बनने लगे, पर हनुमान जी के देवालय स्वतंत्र देवालय बनने का विधान है। देवालय में प्रतिमाओं में कैसा रहता है कि विष्णु की प्रतिमा 124 भाग में बना, लक्ष्मी की प्रतिमा 120 भाग में, और गरुड़ की प्रतिमा 116 भाग में हो। भाग मतलब उसके भाग किए जाते हैं। अच्छा अच्छा, 116 भाग में गरुड़ की, लक्ष्मी की प्रतिमा विष्णु की आंखों से ऊपर कभी नहीं जाना, पत्नी हमेशा पति की दृष्टि में ही रहे, सेवक हमेशा मातृत्व में ही रहे, वक्षस्थल मातृत्व का प्रतीक है, उससे ऊंचा सेवक नहीं होना चाहिए। इसलिए हनुमान या गरुड़ की कोई भी प्रतिमा बनाई जाएगी तो लक्ष्मी के वक्षस्थल से ऊंची नहीं होगा, सेवक हमेशा मातृत्व में ही रहे, इस तरह से देवालय में वो हिसाब होता है। स्वयंभू जो आप स्वयंभू जैसा मानते हैं कि अपने आप को, क्या ऐसे नहीं क्या स्वयंभू लिंग, जैसे स्वयंभू लिंग की बात कर रहे थे, हाँ
स्वयंभू मतलब अपने आप जो हुआ, जो अपने आप जो होते हैं, ऐसे ही है जो नदियों में हो जाते हैं। वैसे नदी नर्मदा का तो हर पत्थर लिंग माना जाता है, नर्मदा का तो हर पत्थर लिंग माना जाता है। गुरु जी एक चीज मेरी जिज्ञासा है, अभी थोड़ा सा पीछे चलेंगे, आपने असुर और जब राक्षस का भेद बताया था तो रावण के बारे में, मरीच तो हिरण बने लेकिन जब वो सीता का पड़ा उसने साधु का वेश बनाया था ऐसा उन्होंने पढ़ा, और मेघनाथ ने भी मायावी युद्ध किया था ये लिखा हो, तो वही आप कह रहे थे ना कि वो मायावी नहीं थे राम, तो वही मैं सोचा था कि ये चीज लिखी है। मायावी युद्ध किया था कई तरह से, कई बार अंधकार करता था, कई बार कुछ करता था, वो तो विद्याएं थी सिद्धियां जो विद्या को प्राप्त किया, सहज वो मायावी था। सीता का अपहरण जब किया था तो रावण देश वाला था, रावण ना भेष बात करके गया था ना, पर मारिच तो हिरण बना था, ये राक्षस पूरा रूप बदल देते थे, तो किसी जानवर में परिवर्तित हो गए ऐसे हो जाना, ऐसा जानवर बन जाते थे, तो भी बन जाते थे, ये राक्षस ये करते थे। क्योंकि जब देवालय जो शब्द मंदिर और देवालय ये दो अलग अलग चीजें होती है क्या, एक ही शब्द अलग अलग है, एक ही है, पर हमारे पास जैसा विधान था इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, नगर देवता, समाज देवता, ये सब है। कुल देवता घर की निशान, तुम कुल देवता को निकाल करके इष्ट देवता नहीं बैठा सकते, तुम्हारे कुल देवता का देवालय तुम गांव में नहीं बना सकते, नहीं है यार, कुल देवता का मंदिर गांव में नहीं बना सकते। ये कुल देवता जिससे जुड़ा हुआ है, जिससे जुड़ी हुई है, उस मूल देवता का देवालय बनाना होगा। अब जैसे बहुत सारे वैष्णवों के कुल देवता अलग अलग हैं, किसी का है ग्रीव है, किसी का नरसिंह है, किसी का जनार्दन है, किसी का केशव, ये सब मिलकर के जब मंदिर बनाएंगे तो विष्णु का देवालय बनाना है ना। बहुत सारे शैव लोग हैं जिनके कुल देवता घर के अलग अलग हैं, पर ये सब जब मिलकर बनाएंगे तो शिवालय बनाना होगा, ये अपने कुल देवताओं के मंदिर गाँव में नहीं बना सकते। वो कुछ भी हो, ये किसी भी संप्रदाय को मानने वाले हो, मगर ग्राम देवता को मात्र सभी पूजना पड़ेगा, है ना, ग्राम देवता की पूजा मात्र सबको करना पड़ेगा, किसी भी संप्रदाय का आदमी हो ग्राम देवता की पूजा उसको करना पड़ेगा, क्योंकि वो ग्राम का देवता है, उससे बड़े ये कुल देवता है सब नहीं होते हैं, उसको एक ग्राम देवता मानना पड़ेगा। ये तो ये सब रहा है उसे खून, पर इसमें ना जैसे प्रतिमा बनाते समय दक्षिण बहुत महत्व है, बुद्ध की प्रतिमा में जो बनाएंगे तो महापुरुष के 32 लक्षण, वो लक्षणों को लेकर के प्रतिमा बनाई जाती है, हमारे देवी देवताओं के वो सारी चीजों के लक्षण, जैसा सहज हम दिखाई देते हैं ऐसा हमारी तरह आकार नहीं बनाया जाता, उसमें है कि उनका चेहरा कैसा होना है, उनकी आंख कैसे होना है, होंठ कैसे हो, नासिका कैसे हो, गला कैसे हो, हाथ कैसे होना है, वक्षस्थल कैसे हो, भुजा कैसी हो उसकी, इसके पूरे अलग अलग प्रकार, वक्षस्थल पूरा वृषभ की तरह होता है, बैल की तरह, भुजाएं हाथी की तरह होती है, गला शंख की तरह, मुख अंडाकार होता है, आंखें कई तरह की होती है, मीनाक्षी, पद्माक्षी, ये होंठ पद्म की तरह होना है, ये पूरे लक्षण है, ऐसे कान कैसे बनना है, ये शिव शास्त्र में सब बहुत है। शिल्पी लोग जब ये सिखाते हैं तो 4 साल तक तो यही ड्राइंग ही सिखाते हैं, ये पूरे लक्षणों को ही पकड़वाते हैं, उसके साथ साथ फिर मुद्राएं, इनकी मुद्राएं कैसी होना है, क्या क्या होना है, वो पूरी मुद्राओं तक